अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हम जो है अपना एक क्लास जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ टू प्रिवेंट एवरीबॉडी टू ऐड यू इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। किसी भी बंदे को हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने से कैसे रोकें। आपको पता है व्यूअर्स कि आप इस वक्त जो है बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और अपने अपने पर्पजेज़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और हमें हर बिला वजह बगैर परमिशन के हर ग्रुप में हमें ऐड करते हैं। ग्रुप में ऐड करने के बाद ग्रुप के सारे मैसेजेस आते हैं और मोबाइल में जो व्हाट्सएप ग्रुप का हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम रोकें इन लोगों को जो हम बगैर हमारे परमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप में हमें ऐड करते हैं, तो इसको रोका जा सकता है। बस यही मैं आपको बताऊँगा। बताने के लिए मैं आता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन में, अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर। मोबाइल डिवाइस ये रही, मोबाइल डिवाइस में यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस या पैरेलल स्पेस मैंने इंस्टॉल किया। ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल स्पेस इंस्टॉल करिए। मैंने इससे पहली क्लास इंस्टॉल किया कि हाँ हम एक मोबाइल के अंदर दो व्हाट्सएप अकाउंट कैसे चलाएं, इसको समझाने के लिए किया था। तो बहरहाल मेरा व्हाट्सएप अकाउंट एक और लॉग इन हुआ, मैं दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट से कर रहा हूँ। आप किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट पर क्लिक करें, ये इंटरफेस वगैरह चेंज है, बाकी व्हाट्सएप वही व्हाट्सएप है आपका, चल जाएगा। व्हाट्सएप में आ जाता हूँ। व्हाट्सएप में आने के बाद व्यूअर्स ये मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है। व्हाट्सएप अकाउंट पाने के बाद जब हम इसको सेटिंग करेंगे कि हमने करना ये है कि हमने रोकना है लोगों को कि हम अलाउ नहीं करना है कि जो मुझे बगैर मेरी परमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड ना कर सकें। इसके लिए जब अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे व्यूअर्स, आप करने के बाद ये तीन डॉट वाला जो हमारे पास है जी आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है ये सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है जी। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है और यहाँ पर हमने क्लिक करना है अकाउंट्स के ऊपर, अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अकाउंट्स पे हमारे पास ये अकाउंट की सेटिंग है, प्राइवेसी सिक्योरिटी है हमारे पास, टू स्टेप वेरिफिकेशन, चेंज नंबर, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, डिलीट माय अकाउंट। हम चले जाएंगे जी प्राइवेसी में, प्राइवेसी में क्लिक किया। ये प्राइवेसी सेटिंग है जी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कहते हैं लास्ट सीन। बाज दफा आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं किसी को तो आप ये भी पता लगता है कि बंदे ने लास्ट व्हाट्सएप को कब ओपन किया था, ये बता रहा होता है। इस वक्त मेरे अकाउंट में लास्ट सीन नहीं बताएगा। यहाँ क्लिक करें आप, करने के बाद लास्ट सीन कौन कौन देखें कि आपको लास्ट कब सीन आपने मैसेज को सीन किया। इसलिए हम एवरी वन हर कोई जान सकता है, माई कॉन्टेक्ट आपके कॉन्टेक्ट जान सकते हैं, नो बॉडी कोई नहीं जान सकता कि आपने कब इसको लॉग इन किया। प्राइवेसी सेटिंग है, आप किसी को बताना नहीं चाहते कि मैंने कब किया। प्रोफाइल फोटो कौन कौन देखे, यहाँ से क्लिक करें जी आप, इसको करें जी एवरीवन माय कांटेक्ट, नो बॉडी मेरे कांटेक्ट देखे, कोई ना देखे, एवरीवन हर कोई देखे जी, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके बाद अबाउट यू, जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है वो उसको कौन कौन देखे, क्लिक करें। यहाँ भी यही ऑप्शन है, हर कोई देखे, कॉन्टेक्ट देखे, कोई ना देखे, आप इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, स्टेटस कौन देखे, आपके कॉन्टेक्ट देखे जी, हर कोई देखे, कोई ना देखे, ये हमारे पास आ रहा जी, ठीक है जी। अब इसके अलावा हम आते हैं जी, जो हमने अभी करना है ग्रुप को, ग्रुप क्लिक करना है। ग्रुप के बाद यहाँ तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एवरीवन हर कोई इस ग्रुप में, देखो जी हु कैन ऐड मी टू ग्रुप्स, कौन कौन मुझे कर सकता है, एवरीवन अगर यहाँ क्लिक करूंगा हर कोई कर सकता है। माय कॉन्टेक्ट करूंगा तो आपके कॉन्टेक्ट में जो सेव है वो आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ व्हाट्सएप जो है वो अपडेट व्हाट्सएप होते हैं, इसके अंदर जो है नो बॉडी भी लिखा हुआ, आप नो बॉडी क्लिक करें, कोई आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है तो मैं इसी से भी ये काम ले सकता हूँ, माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट। मैं कॉन्टेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो मैं क्लिक करता हूँ मेरे कॉन्टेक्ट को, मेरे कॉन्टेक्ट मुझे ग्रुप में ऐड कर सकेंगे सवाए, ये देखेंगे सवाए इनके, इसको मैंने खत्म कर दिया, ये तो सवाय इसके, ये कॉन्टेक्ट जो भी है इसके अलावा बाकी सब ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर मैं कहता हूं कि माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट मेरे कॉन्टेक्ट अलावा, ये देखें जी यहां पर अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूं, ये सिलेक्ट ऑल यहां से होगा, मतलब मेरे कॉन्टेक्ट जो है मुझे ग्रुप में ऐड कर सकेंगे सवाय इन लोगों के। अब आप बताएं जी सवाय सबके, मैंने सिलेक्ट ऑल किया तो नोबडी ही हुआ ना जी। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से सिंपल सी बात है, अगर आपको ये मेरी बात समझ आ रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रही तो सिंपल सी बात, अगर मैं सब आपको ब्लॉक, सबको आपने ब्लॉक करना कोई ना करे तो आप इसको माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको ये देखें जी अभी डिसलिक हो रहा है सारा का सारा,
ये देख डी सिलेक्ट हो रहा है, और यही पे मैं क्लिक करूंगा डी सारा सिलेक्ट हो जाएगा। हमने इसे यहाँ से ये टिक वाला बटन दबाना है। तो अब क्या हो गया जी, मेरे कॉन्टेक्ट के ऊपर जो मुझे जो ये देखो ग्रुप जो है 293 कॉन्टेक्ट एक्सक्लूडेड, मैंने 293 कॉन्टेक्ट को एक्सक्लूड किया। इसके अलावा कोई मुझे टेक करना चाहे कर सकता है, तो इसके अलावा कौन करेगा, मेरे तमाम कॉन्टेक्ट तो मैंने बंद कर दिए। तो लिहाजा ये भी नो बॉडी ही है। व्यूअर्स, अभी आपने ये किया है कि अगर आपके फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप में कोई भी आपको आपके ग्रुप में ऐड करना चाहे कि अपने ग्रुप में आपको, तो वो ऐड नहीं कर सकता है। अगर ऐड करने के लिए आपके पास रिक्वेस्ट आएगी कोई आपको ऐड करना चाह रहा है, अगर आप इसको यस करेंगे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ऐड कर सकेगा, नहीं तो आप ऐड नहीं होंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है क्लास समझ आ गई होगी। मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि हम अपने व्हाट्सएप अकाउंट के अंदर जो है हर किसी को ग्रुप में अपने अकाउंट को ऐड करने से मैंने रोक दिया, और आप भी इस तरह रोक सकते हैं और अपने जो आप व्हाट्सएप ग्रुप संभालने में आपको परेशानी हो रही है इससे बच सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है क्लास समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो लाइक तो बनता है, लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में कामयाब हो जाऊंगा। थैंक यू।